स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में मतदान को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर अपने मतों का उपयोग करने पहुंच रहे हैं। जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अभिलाष पांडे ने भी अपने मत का उपयोग करने मतदान केंद्र पहुंची और मतदान किया। पांडे ने कहा कि किसी भाजपा ने कार्य किया है और भाजपा की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। आज मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का त्यौहार है और इस उत्सव को लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि मतदान जरूर करें और मतदान इसलिए करें कि आप जिस सरकार से विकास की उम्मीद करते हैं वो सरकार बने और नरेंद्र मोदी जी जो विकास का निरंतर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है जिस तरह से जनता का रुझान मिल रहा है उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता ये जानती है कि विकास किसी ने किया है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है और विकास मध्य प्रदेश में चाहे लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, तीर्थ दर्शन हो, चाहे पक्के मकान हो, आयुष्मान कार्ड हो, जनता को जितना लाभ पहुंचना चाहिए अंतिम व्यक्ति तक वो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह का मतदान के अंदर एक आप रुझान देख रहे होंगे, उत्साह देख रहे होंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश में फिर से कमल की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।